नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, योग आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान बनाने के साथ साथ आपके शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट को भी बर्न करने में मदद करता है। नियमित रूप से योग करने से आप लगभग 600 से 800 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं। साथ ही योग आपके शरीर को लचीला और तंदुरुस्त बनाता है। तो आइए आज हम आपको योग के कुछ ऐसे आसान टिप्स बताएंगे जिनको नियमित रूप से करने से आप अपने शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट को चंद ही दिनों में खत्म कर सकते हैं। नंबर एक है सूर्य नमस्कार। सबसे अधिक फायदा करने वाले इस आसन को करने से आपके शरीर का फैट बहुत जल्द कम होगा, साथ ही यह आपके शरीर को लचीला भी बनाएगा। सूर्य आसन में लगभग 12 आसन शामिल होते हैं। इन सभी आसनों को रोजाना करने से आप बहुत जल्द शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर दो, भुजंग आसन। भुजंग आसन करने से पेट की चर्बी बहुत जल्द कम होती है। यह आसन बाजू और कमर को स्ट्रोंग तथा लचीला बनाते हैं। ये जब सूर्य नमस्कार किया जाता है तब इस आसन का क्रमांक उसमें 7वें नंबर पर आता है। यह आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। भुजंग आसन को करते वक्त शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग की तरह बनती है, इसलिए इसे भुजंग आसन कहा जाता है। जो लोग छरहरी काया पाना चाहते हैं उनके लिए तो यह आसन बहुत ही अधिक फायदेमंद है। बालासन। बच्चों की मुद्रा के नाम से जाने जाने वाला यह आसन जांघों और टखनों की स्ट्रेचिंग करता है। इस आसन को करने से पेट की चर्बी भी बहुत जल्द कम हो जाती है। इसे करने से शरीर को तनाव और थकान से राहत मिलती है। यह ज्यादा देर तक बैठे रहने से होने वाले लोअर बैक पेन में भी काफी मददगार साबित होता है। इस आसन को करने से पेट की चर्बी भी बहुत जल्द कम हो जाती है। नंबर चार, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन दो शब्द से मिलकर बना है। पश्चिम का अर्थ होता है पीछे और उत्तान का अर्थ होता है तानना। इस आसन के दौरान रीढ़ की हड्डी के साथ शरीर का पिछला भाग तन जाता है, जिसके कारण इसका नाम पश्चिमोत्तानासन दिया गया है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक आसन है। यह शरीर से फैट को तो कम करता ही है, साथ ही अनेकों बीमारियों से भी शरीर को निजात दिलाता है। नंबर पाँच, कपालभाति। कपालभाति सांस के द्वारा किए जाने वाला प्राणायाम है, जो आपका वजन कम करने में मदद करता है और आपके पूरे शरीर को संतुलित कर देता है। जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर से 60% विषैले तत्व सांस के द्वारा निकल जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से शरीर के सभी अंग विषैले तत्व से मुक्त हो जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से आपका माथा भी चमकदार बनता है। नंबर छह, धनुरासन। इस आसन को करते हुए शरीर का आकार एक धनुष के समान दिखाई देने लगता है, इसलिए इसे धनुरासन कहा जाता है। यह आसन करते समय आपको भुजंगासन और शलभासन दोनों के लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं। यह आसन वजन कम करने के लिए एक उत्तम योगाभ्यास है। इसके नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है और आपके पेट को चुस्त और दुरुस्त बनाता है। नंबर सात, पादहस्त आसन। यह आसन हाथों के द्वारा पैरों को पकड़कर किया जाता है, इसलिए इसे पादहस्त आसन नाम दिया गया है। इस आसन को करने के लिए पेट और पैर में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। यह आसन खड़े होकर किया जाता है। योग की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए यह बहुत अच्छा आसन माना जाता है। पादहस्त आसन पाचन समस्याओं को नियंत्रित करने के साथ साथ यह पैरों की हड्डियों के रोगों को भी दूर करने में सहायता प्रदान करता है। योग करने के साथ साथ यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका वजन और भी जल्द और आसान तरीके से घटेगा। तो आइए जानते हैं कुछ आसान और हेल्थ टिप्स। नंबर एक, योग के साथ साथ मोटापा घटाने के लिए आपको 80% अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। नंबर दो, नियमित रूप से दृढ़ संकल्प के साथ योगाभ्यास करें। नंबर तीन, हर 2 से 3 घंटे में कम से कम मात्रा में हल्का खाना खाएं। ऐसा करने से आपकी भूख शांत रहेगी। नंबर चार, अपने खाने पर 100% ध्यान दें। खाना पूरे ध्यान से चबा चबा कर खाएं। खाते समय टीवी न देखें। नंबर पाँच, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इससे आपकी भूख भी शांत रहेगी, साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रोंग होगा, जिससे आपका वजन तेजी से कम होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपना वजन कंट्रोल करना है तो इन आसन को करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक व कमेंट करें और मेरी ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।